हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शंकर और आप आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर डिजिटल क्लासरूम पर। भारत सरकार की नई पोर्टल लॉन्च हो गई है, इसमें आप घर बैठे ही अपना इलाज करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई रिपोर्ट दिखा सकते हैं या दवाई की पर्ची लिखवा सकते हैं, किसी तरह का राय मशवरा ले सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप इसे कैसे करेंगे उसके लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्री में आप घर बैठे कैसे डॉक्टरों से इलाज करा सकते हैं, इसके लिए चलते हैं सीधे हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। आप इसे मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको आकर के अपने ब्राउजर पर लिखना होगा esanjeevaniopd.in। ये वाला लिंक आप देख लीजिएगा, ये वाला लिंक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें एक काम कर लेना है, आपको ये टाइमिंग वाले ऑप्शन पर आना है और आपको ये टाइमिंग देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर पेशेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह सब दिया हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले आपके स्टेट में कौन कौन से टाइम पर डॉक्टर बैठते हैं आपको देख लेना है। जो भी आपका स्टेट होगा आप अपने स्टेट का देख लेते हैं। जैसे हमारा स्टेट में है 11 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे दिन तक, और 3 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है। तो अभी हम अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, आप अपना स्टेट में देख सकते हैं आपका कौन सा टाइम होगा, आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधे फिर हम आएंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर, इस पर आएंगे और इस पर क्लिक कर लेना है। ध्यान रखें, आप उसी का मोबाइल नंबर देंगे, उसी का डिटेल भरेंगे, सारा डिटेल उन्हीं का भरेंगे जिनको पेशेंट को दिखवाना है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि अपने घर का नाम से किसी से रजिस्टर करवाएं और मरीज कोई और है। तो यहाँ पर चलते हैं, सीधा अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं और यहाँ पर डालेंगे अपना स्टेट, और यहाँ से कौन सा आपको दिखाना है, जनरल ओपीडी या स्पेशलिटी किसी में। तो हमें जनरल में दिखाना है तो हम जनरल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से झारखंड भी जो भी आपका स्टेट में ओपीडी होगा वो आ जाएगा। यहाँ से सेंड ओटीपी वाले पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, आपको उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है और यहाँ से आपको कर लेना है ओके वाले पर क्लिक। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट नेम डालेंगे पेशेंट का, जो भी पेशेंट का नाम होगा। यहाँ से उनका एज सेलेक्ट कर लेंगे, जिनका भी जितना भी उनका एज होता होगा। यहाँ पर मिडिल नेम है तो ठीक है, यहाँ पर स्टेट आपका सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर उनका लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल या फीमेल, यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे कौन सा सिटी है। यहाँ पर ईमेल ऑप्शनल है, डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक भी ऑप्शनल है लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर आपका पहले से रहेगा, एड्रेस डाल दीजिएगा। ध्यान रहे, एड्रेस जो आधार कार्ड में रहेगा वहीं पर आप वही वाला देना आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना एड्रेस डालिए। यहाँ से आप अपना पिन कोड डाल लीजिएगा, आपके एरिया का जो पिन होता होगा वो डालेंगे। यहाँ पर से आप हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे कि आपके पास कोई PNG JPG में जो आपका पहले से कोई रिपोर्ट है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर कोई रिपोर्ट नहीं है, पहले नहीं दिखाया है किसी चीज़ के लिए, तो या किसी चीज़ भी दिखाना है उससे रिलेटेड कोई डॉक्टर का रिपोर्ट है तो यहाँ पर से अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से जनरेट पेशेंट ID एंड टोकन, इस पर क्लिक करना होगा। देखिए, योर पेशेंट ID एंड टोकन नंबर, टोकन हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। जैसे कि एक पेशेंट ID और एक टोकन नंबर आपके मोबाइल पर चला गया होगा, आप इस पर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब इंतज़ार कीजिए कि आपका टोकन नंबर और ये ID आया है कि नहीं। तो चलिए, हमारा टोकन नंबर और ये पेशेंट ID आ गया है। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या पेशेंट ID डाल देते हैं, आपको जो डालना होगा डाल सकते हैं, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अपना टोकन नंबर डालिए, अपना टोकन नंबर इंटर कर लेते हैं। ये दोनों देने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देखिए वेटिंग रूम एक में है। यहाँ पर आपको डॉक्टर का कॉल करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। आप अभी भी चाहे तो अपना कोई रिपोर्ट है तो अभी भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से भी कॉल होने लगेगा। अगर कॉल कट हो जाता है तो आप यहाँ से कॉल नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हमें नहीं दिखाना है तो हम यहाँ से अभी लॉग आउट कर लेते हैं। आप पूरा लाइव देख सकते हैं। यहाँ से अगर कॉल दोबारा एक बार में नहीं उठता है
तो आप यहाँ से कॉल नाउ वाले ऑप्शन पर से फिर से क्लिक कर सकते हैं, आपका कॉल उठ जाएगा। ठीक है, वहाँ से हमें अभी नहीं दिखाना था, तो अभी हम सिर्फ आपको बताने के पर्पज से बता रहे हैं, हमें कुछ इस चीज़ का कुछ दिखाना नहीं था, इसलिए हमने कॉल कट कर दिया। अब आपको हम बताते हैं फ्रेंड्स, अगर आप मानते हैं कि डॉक्टर से दिखा चुके हैं और अब जैसे कि डॉक्टर आपका दवाई का पर्ची वगैरह सब लिखा है, जो भी आपको लिखा है दवाई का पर्ची वगैरह सभी आप, तो वो आपको कैसे देखना है उसके लिए चलते हैं सीधे हम यहाँ पर पेशेंट वाले प्रोफाइल पर। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, देखिए यहीं पर आपको मिलेगा प्रिसेप्शन, यहाँ से फैमिली मेम्बर सबको ऐड वगैरह करना होगा, आयुष्मान भारत है तो ठीक है, सारा कुछ यहीं से आपको मिलेगा, आप इस पर लॉगिन करेंगे। यहाँ से 6 डिजिट का जो OTP आएगा उसे एंटर करेंगे। और यहीं पर से आपका जो है, यहाँ से आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर अपडेट करने के लिए मिलेगा, अगर पास्ट प्रिसेप्शन जो पीछे से कुछ है तो डॉक्टर का रिपोर्ट सारा कुछ यहीं से होगा, यहाँ से आप अपने फैमिली मेम्बर में और किन्हीं का कुछ है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं उनको, फैमिली मेम्बर का लिस्ट आपको यहाँ पर हो जाएगा, अगर आभा ये जेनरेट लिंक आभा आपके पास है तो यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं उसे। इस अगर आपके पास आभा नंबर नहीं है यानी कि हेल्थ ID आपने नहीं बनाया है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो में, उसके लिए मैंने एक पहले से डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। लिंक एग्जिस्टिंग आभा है अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, अगर आपके पास बना हुआ हेल्थ ID मतलब कि आभा नंबर, तो आप यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं उसे, और बाकी आपका जितना भी है डॉक्टर का लिस्ट वगैरह जो पर्ची वगैरह सब जो भी आप दिखाएँ, आपको डॉक्टर लिस्ट वगैरह सब जो देख चुके हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही है पूरा ऑनलाइन फ्री में दिखाने का गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको घर में बैठ कर सलाह मशवरा या कोई रिपोर्ट दिखाना, दवाई लिखवाना जो भी है सारा कुछ यहीं से होता है, आप इसे इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं, बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत तक अच्छी शुरुआत है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भी कुछ दिक्कत पड़ता है तो आप सबसे पहले यहाँ से फ्री में यह सर्विस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले, और रोज़ इसी तरह का वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे आगे वाली वीडियो में।